Tugged amidst the Palani Hills of Western Ghats in Tamil Nadu, Kodaikanal एक ऐसी जगह है जहाँ 12 महीने जाया जा सकता है. वो popular है for its n number of lakes, waterfalls, viewpoints and parks. Hey all, I am Saransh from Explore the Earth and today I am going to tell you everything you need to know for visiting Kodaikanal. इस वीडियो के खत्म होने तक you would know कैसे पहुँचना है, कहाँ रहना है, कहाँ घूमना है, कहाँ खाना है and some other tips as well. And if by the end आपको लगता है कि मैंने आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, then do like the video and subscribe to the channel as well. Now let's get straight to Kodai. How to reach Kodaikanal? By air से अगर आप जाना चाहते हैं तो closest airport मदुरई एयरपोर्ट है, जो कि Kodaikanal से 120 किलोमीटर की दूरी पर है. अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, then the closest railway station is Kodai Road Railway Station. वो Kodaikanal से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है. इसके सिवाय अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं खुद सेल्फ ड्राइव करके, तो आप वो भी कर सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा सीनिक रास्ता है यहाँ पर हिल स्टेशन के अराउंड, तो आपको मज़ा आएगा. एंड इफ़ यू आर विलिंग टू गो बाय बस, तो ऑलमोस्ट हर मेजर साउथ इंडियन सिटी से यहाँ तक कि आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी, जैसे कि बैंगलोर, कोयम्बटोर, चेन्नई, इन सभी जगह से आपको डायरेक्ट Kodaikanal के लिए बस मिल जाएगी. अगला है प्लेसेस टू विजिट इन Kodaikanal. यहाँ पर काफी कुछ है करने और देखने के लिए. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 15 ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस. ये सभी जगहें आप 3 से 4 दिन में कवर कर सकते हैं. टू मेक इट सिंपल, मैंने सारी जगह अंडर लेक्स, वॉटरफॉल्स, व्यू पॉइंट्स एंड अदर इंटरेस्टिंग प्लेसेस में डिवाइड करी है. इनमें से एंड में मैं जो आपको दो चीजें बताऊंगा वुड बी इन जनरल क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर चिल्ड्रन एज वेल. और मैंने ये सारी जगह आपकी कन्वीनियंस के लिए गूगल मैप पर पिन कर दी है, और इस गूगल मैप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. सो नाउ स्टार्टिंग विद वाटरफॉल्स, सबसे पहला है बेयरशोला वाटरफॉल्स. बेयरशोला फॉल्स Kodaikanal से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है. ये काफी रिजर्व टाइप स्पॉट है और आप यहाँ पर नेचर अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, और मानसून में ये वाटरफॉल काफी ज्यादा सुंदर लगता है. Vattakkanal फॉल्स ऐसी जगह है जहाँ पर व्हाइट वाटर इज फॉलिंग विद ग्रीनरी ऑल अराउंड, जो काफी मैजिकल लगता है. एंड इन जनरल लोग हाइक अप टू द टॉप एज वेल, क्योंकि इस वाटरफॉल के टॉप से काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज मिलते हैं. नेक्स्ट इज थलैयार फॉल्स, ऑल्सो नोन एज रैट टेल फॉल्स. 297 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये तमिलनाडु में हाईएस्ट वाटरफॉल है और पूरे इंडिया में 6th हाईएस्ट. एंड द टूरिस्ट कैन एंजॉय द व्यू फ्रॉम द डमडम रॉक व्यू टावर एंड टेक द परफेक्ट फोटोग्राफ्स. नेक्स्ट अप आर द ब्यूटिफुल लेक्स ऑफ Kodaikanal. Kodai लेक Kodaikanal का सबसे ज्यादा पॉपुलर अट्रैक्शन है, एंड राइटली सो, क्योंकि नॉट जस्ट यहाँ पर लेक के अच्छे व्यूज, पर आप साथ में हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग जैसी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं. और इंटरेस्टिंगली ये लेक एक नेचुरल लेक नहीं है, बल्कि मैन मेड लेक है जो कि स्टार शेप्ड में बनाया गया है. हाउ कूल इज दैट. दूसरी लेक है बेरेजिम लेक. ये Kodaikanal से कुछ 21 किलोमीटर की दूरी पर है एंड अबाउट 3 किलोमीटर लंबी लेक है, विच इज सराउंडेड बाय एवरग्रीन ट्रीज. ऑल ऑफ दिस इन जनरल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द स्प्लेंडेड ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. कोशिश करिए कि आप यहाँ पर जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लिमिटेड नंबर ऑफ व्हीकल्स ही अलाउ करते हैं इन अ डे, एंड द प्लेस इटसेल्फ क्लोजेस बाय 3 PM. मन्नवनूर लेक इज सिचुएटेड इन मन्नवनूर विलेज, जो कि Kodaikanal से 33 किलोमीटर की दूरी पर है. यहाँ पर आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं. यहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, उसके सिवाय यहाँ पर आप बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हैं. एंड इन जनरल ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पिकनिक स्पॉट है फॉर इट्स पीसफुल वाइब्स. लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ द स्पेक्टैक्युलर व्यू पॉइंट्स ऑफ Kodai. सबसे पहला है अपर लेक व्यू पॉइंट, जो कि परफेक्ट व्यू पॉइंट है टू हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द Kodaikanal लेक, जो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सीनिक लगती है. And not only that, but you can also see the entirety of Kodaikanal town from here. दूसरी जगह है Dolphin's Nose. ये Kodaikanal का काफी ज़्यादा popular viewpoint है. लगभग 2 घंटे का trek would get you here. और इसे Dolphin's Nose के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो यहाँ पर rock formation है, वो rocks dolphin के nose की shape में हैं. यहाँ से आपको value के views जो मिलते हैं are actually unparalleled. और अगर आप इससे थोड़ा और ऊपर जाएं Echo Point तक, तो वहाँ views और भी अच्छे हैं. तीसरी जगह है कोकर्स वॉक, जो कि सिटी सेंटर से बहुत पास है, और ये लगभग 1 किलोमीटर लॉन्ग वॉकिंग प्लाजा है दैट हैज़ बीन कार्व्ड इन द माउंटेन्स. जब आप यहाँ पर चलते हैं एंड गिवन द टाइम ऑफ डे, इट एक्चुअली फील्स लाइक दैट यू आर वॉकिंग अबव द क्लाउड्स. अगली जगह है ग्रीन वैली व्यू पॉइंट. ये Kodaikanal का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल व्यू पॉइंट्स है, और यहाँ से वैगई डैम भी दिखता है, दैट इज क्वाइट अ साइट.
आखिरी व्यू पॉइंट है पिलर रॉक्स पॉइंट। पिलर रॉक्स आर अ मार्वल ऑफ नेचर। इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा है बिकॉज देर आर थ्री बोल्डर्स दैट आर राइजिंग एज हाई एज 400 फीट एट द एज ऑफ गुना केव्स, जो कि देखने में काफी ज्यादा मेजेस्टिक लगता है। इन सभी व्यू पॉइंट्स पर काफी बार फॉग मिस्ट की वजह से बेस्ट व्यूज मिल पाना डिफिकल्ट हो जाता है, बट दैट फॉग इटसेल्फ मेक्स फॉर अ यूनिक एक्सपीरियंस। लास्टली सम अदर इंटरेस्टिंग प्लेसेस दैट आई वुड रेकमेंड आर स्टार्टिंग विद गुना केव्स। द क्लाउड्स सराउंडिंग इट काफी ज्यादा मिस्टीरियस फीलिंग देते हैं इधर। पहले गुना केव्स का नाम डेविल्स किचन हुआ करता था, बट आफ्टर द कमल हसन मूवी गुना वॉज शॉट हेयर इसका नाम गुना केव्स के नाम से जाना जाता है। एंड फॉर सिक्योरिटी रीजंस यहाँ पर गुना केव्स में एंट्री अलाउड नहीं है और आप सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं। अगली जगह है पाइन फॉरेस्ट। यहाँ पर काफी सारी और काफी पॉपुलर मूवीज की शूटिंग हो चुकी है। इन जनरल ये जगह काफी ज्यादा मैजिकल लगती है देखने में, एंड आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड दैट यू इंक्लूड दिस ऑन योर लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू विजिट इन कोडाईकनाल। एंड प्लीज डू हेड हियर फॉर सम वंडरफुल फोटोग्राफी। कोडाईकनाल का वैक्स म्यूजियम इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट वैक्स म्यूजियम्स है। यहाँ पर आपको वैक्स स्टैचू मिल जाएंगे जैसे कि लॉर्ड कृष्णा के, महात्मा गांधी के, आदि शंकराचार्य के। इसके सिवाय देयर इज एन इंटरेस्टिंग टेक ऑन डाविंची लास्ट सपर एज वेल। आखिरी जगह है शेमबागनूर म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑर्चिडेरियम्स होस्ट करता है। इसके सिवाय द म्यूजियम एग्जिबिट्स रिफ्लेक्ट द एंथ्रोपोलॉजी, हैंडीक्राफ्ट्स एंड फौना विद सम वेरी गुड कंपाइलेशंस। अगर ये सब जगहें कवर करने के बाद भी आपके पास टाइम बचता है, देन यू कैन रेफर टू एन आर्टिकल जो मैंने कोडाईकनाल की प्लेसेस टू विजिट के ऊपर लिखा है, जिसमें मैंने इन जगहों के सिवाय भी और जगहें मेंशन करी हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगला है वेयर टू स्टे इन कोडाईकनाल। कोडाईकनाल में अबंडेंट नेचुरल ब्यूटी है, एंड दैट इजीली ट्रांसलेट्स टू द फैक्ट कि आप कहीं भी रुकें आपको अच्छे व्यूज ही देखने को मिलेंगे। नंदलेस मैं आपको हाई एंड ऑप्शंस से लेकर बजट ऑप्शंस तक सब सजेस्ट करने वाला हूं। स्टार्टिंग विद हाई एंड ऑप्शंस दैट ऑफर स्पेक्टेकुलर व्यूज, और ये कोडाई लेक से काफी पास है, वो है द कार्लटन कोडाईकनाल और स्टर्लिंग कोडाई लेक। इसके सिवाय आप तमारा कोडाई भी ट्राई कर सकते हैं जो कि थोड़ा कोडाई लेक से दूर है, इफ यू वॉन्ट अ मोर पीसफुल ऑप्शन। फॉर मिड रेंज स्टेज यू कुड गो फॉर हिल टॉप टावर्स और एलटीएस नेस्ट, और बजट ऑप्शंस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा जोस्टल, ट्रिपर कोडाईकनाल एंड दोस्तल। ये तीनों ही हॉस्टल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी वाइब्स मिलेंगी और लाइक माइंडेड फ्री स्पिरिटेड ट्रैवलर्स से मिलने का मौका भी। पर ये नोट करिए कि ये तीनों ही सिटी सेंटर से थोड़ा दूर हैं, बट स्टिल काफी पीसफुल हैं और यहाँ पर व्यूज भी बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट अप इज वेयर टू ईट इन कोडाईकनाल। कोडाईकनाल में आपको खाने के बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे, बोथ फॉर वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन। प्योर वेजिटेरियन फूड में अगर आप साउथ इंडियन फूड खाना चाहते हैं फॉलोड बाय अ गुड फिल्टर कॉफी, तो होटल एस्टोरिया वेज बेस्ट ऑप्शन है। इसके सिवाय वुडीज रेस्टोरेंट भी अच्छा प्योर वेजिटेरियन सर्व करते हैं। अगर प्योर वेजिटेरियन फूड रेस्ट्रिक्शन नहीं है, देन यू कैन ट्राई क्लाउड स्ट्रीट फॉर इट्स वुड फायर्ड पिज्जास, मंचीज अपने रोल्स और शेक्स के लिए, अल्ताफ्स कैफे फॉर द बेस्ट मिडल ईस्टर्न फूड के लिए। इसके सिवाय आपको पेस्ट्री कॉर्नर ट्राई करना चाहिए फॉर इट्स डिलिशियस डेजर्ट्स। यहाँ पर आइसक्रीम्स, पेस्ट्रीज और ब्राउनीज काफी ज्यादा अच्छी मिलती हैं। अगला हम कवर करेंगे हाउ टू ट्रैवल अराउंड कोडाईकनाल। इसके लिए आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, टैक्सीज, शेयर टैक्सीज और बसेस। ये तीनों ही चीजें आप या तो लोकल टूर ऑपरेटर्स के साथ बुक कर सकते हैं, या फिर जहां भी आप स्टे कर रहे हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं ये बुक करने के लिए। आपके लिए सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन रहेगा बस बुक करना। हाउएवर सबसे ज्यादा कन्वीनियंट येट इकोनॉमिकल ऑप्शन होगा शेयर टैक्सी से जाना। अब आखिरी सेक्शन में आई एम गोइंग टू गिव यू सम हेल्पफुल टिप्स जो कि काफी हैंडी रहेंगी व्हेन यू आर मेकिंग दैट ट्रिप टू कोडाईकनाल। सबसे पहला है दैट यू पैक इनफ वार्म क्लोथ्स, क्योंकि यहाँ रात में ठंड काफी रहती है, एंड स्पेशली सो ड्यूरिंग द विंटर्स। और कोडाई में कभी भी अनएक्सपेक्टेडली बारिश स्टार्ट हो जाती है, सो कीप ईदर एन अम्ब्रेला और अ रेनकोट हैंडी। अ लॉट ऑफ दीज व्यू पॉइंट्स पर कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है, एंड डिपेंडिंग ऑन द सीजन दैट यू आर गोइंग इन यू माइट जस्ट बी द ओनली वंस अराउंड एज वेल। सो बी एक्स्ट्रा कॉशियस कि आप किसी भी एज के पास ज्यादा ना जाएं। ओवर द ईयर्स कोडाईकनाल काफी पॉपुलर हिल स्टेशन बन चुका है, एंड विद दैट अनफॉर्चुनेटली ये भी हुआ है कि यहाँ पर लोग ज्यादा लिटर करने लगे हैं। सो आई वुड अर्ज यू दैट यू डू योर बेस्ट और आप यहाँ पर लिटर ना करें, एंड यू ऑल्सो मेक मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक्स।
एंड दिस रैप्स आवर वीडियो. आई होप कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी वुड हेल्प इन प्लानिंग योर ट्रिप. एंड इफ यू हैव एनी अदर अपडेट्स दैट कैन हेल्प अदर्स, प्लीज डू मेंशन देम इन द कमेंट. अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डू लाइक एज वेल एज सब्सक्राइब टू द चैनल. दैट वुड मीन अ लॉट. गुड बाय.